फ्री होम डिलीवरी के साथ खंडवा कूलर लाया है 3,990 में, एक सीजन वारंटी वाला कूलर और दो सीजन वारंटी वाला कूलर 4,500 रुपए में। इच्छुक व्यक्ति दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जी बताइए, आपका क्या नाम है और कहाँ रहते हो और आज एसपी ऑफिस में क्या शिकायत लेके आए हो आप? मेरा नाम दिनेश राठौर है, संजय नगर खंडवा में रहता हूँ और उत्कृष्ट बालक छात्रावास पड़ा हुआ खंडवा में चौकीदार के पद पर कार्य कर रहा था जी। और वहाँ पर मेरी झूठी शिकायतें अधीक्षक के द्वारा करवाई जा रही बार बार महिलाओं के द्वारा, और मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। मेरे खाने वाले ज़बरदस्ती परेशान करते बार बार बुला के, जबकि हम फरियादी हैं। किस तरीके की झूठी शिकायतें की जाती है? झूठी शिकायत की जाती है कि इसने अभद्र व्यवहार करा, दुर्व्यवहार करा हमारे साथ। किसके साथ क्या दुर्व्यवहार? महिलाओं के साथ बोले कि दुर्व्यवहार करा, ठीक है, अभद्रता की। और झूठी बच्चों के हक झूठी शिकायत करवा देता अधीक्षक, और अधीक्षक वहाँ उपस्थित नहीं रहते, अधीक्षक ना तो वहाँ निवास करते ना वहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। मैं 5 साल से छात्रावास को देख रहा हूँ, उसके बाद भी मेरी झूठी शिकायतें अधीक्षक के द्वारा बार बार कराई जा रही है। ऐसा क्यों करते वो लोग? वो इसलिए कर रहे कि मेरे को हटाना चाह रहे थे कि इसको हटा देते हैं। अच्छा, मेरे को हटाने के लिए वो अधीक्षक के द्वारा इस तरह की शिकायतें बार बार कराई जा रही है। और मैं थाने से लेके एसपी ऑफिस, थाना और कमिश्नर, डीआईजी, आईजी, डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री, यहाँ से वहाँ तक सारे अधिकारियों को मिल चुका हूँ, उसके बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उल्टा मेरे को परेशान है, प्रताड़ित किया जाता है पुलिस के द्वारा, और थाने बुला के मेरे को डराया धमकाया जाता है कि उनसे राजीनामा कर लो। अच्छा, और बार बार परेशान किया जाता है। कब का मामला है, ऐसा कब से हो रहा है आपके साथ? ऐसा सर ये 3 महीने से हो रहा करीब। तो 3 महीने में आपने शिकायत आज की, इसके पहले कई बार? मैंने साहब इसकी शिकायत कम से कम 10 से 15 बार कर चुका हूँ, और इसी में मेरे को हटेक भी आ चुका हूँ। मैं मतलब हटेक का मरीज हूँ, और बीपी शुगर भी है मुझे, अभी भी मेरी बीपी शुगर बढ़ी हुई है, और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा ऑपरेशन होगा हार्ट का सर। तो अब आप क्या चाहते हैं? और अभी मेरे को उनने नौकरी से भी झूठे सच्चे बयान बच्चों के द्वारा और महिलाओं के द्वारा किसी भी तरह से झूठी सच्ची कार्रवाई करके मेरे को छात्रावास से भी हटा दिया, और तनख्वाह वगैरह भी अभी 3 ही 7-8 महीने हो गए हैं, और मैं क्या खाऊँ, मैं बेरोजगार हो गया हूँ। और उसके बाद भी मेरे को परेशान और प्रताड़ित ये पुलिस और अधीक्षक जेल सावले के द्वारा किया जाता है, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे इससे तो इच्छा मृत्यु दे दी जाए तो इसका समाधान हो जाएगा। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ कि इनके कार्रवाई की जाए, और नई कार्रवाई हुई तो इच्छा मृत्यु दी जाए। तो अभी आप यहाँ पर आवेदन देने के लिए आए, तो यहाँ से कुछ कहा गया कि नहीं कहा गया आपको? यहाँ से कुछ नहीं कहा गया, ऐसे आवेदन में दे चुका हूँ यहाँ से वहाँ तक। आपका नाम बता दीजिए और कहाँ रहते हैं? थाने पे जाओ तो डराते धमकाते हैं और बोले कि बंद कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश राठौर है। कहाँ रहते हो? मैं संजय नगर खंडवा। कौन से छात्रावास का मामला है ये? उत्तर फ्री होम डिलीवरी के साथ खंडवा कूलर लाया है 3,990 में, एक सीजन वारंटी वाला कूलर और दो सीजन वारंटी वाला कूलर 4,500 रुपए में। इच्छुक व्यक्ति दिए गए नंबर पर संपर्क करें।